चीकू को स्कूल भेज रही हूँ, आपको आवाज सुनाई दे रही हूँ कि जैद की। पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ है, एकदम से उठा है और कॉन्टिन्यूस 40 मिनट्स तक रोया है वो। फिर बड़ी मुश्किल से गोलू ने उसे चुप करा के अपने साथ सुलाया था। अभी बज रहे हैं तकरीबन 12:30-11 हो रहे होंगे, तो अभी दोबारा से वो जैसे उठा है ना, वैसे इतनी दहाड़े मार मार के रो रहा है, जैसे लग रहा है उसके पेट में तकलीफ है। बाकी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उसे अरमान जी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, वो लेके आ रहे हैं गोलू। चुप हो जाओ। चलो देखो आपको पता है सुबह 8 बजे ना मैं सो रही थी, आवाज आई जैद की बहुत तेज, सुबह तब उठ गए, बच्चे रोते हैं ना, इसका रोना अजीब सा हो रहा था आज बहुत। मुझे बता देती, मैं कौन सा बता। नहीं ये 30 मिनट तक ऐसे करता ना, मुझे लगा शायद से ना ये डर रहा है किसी से, पेट में दर्द है जैसे हरकतें कर रहा है ना अचानक से पेट में। और नहीं ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे अपने आप को मरोड़ रहा है, मतलब हाथ पर मरोड़ रहा है, तकलीफ हो रही है इसको। अब ठीक है, बीच में फिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा इसको। कोई नहीं, मैं उससे बातें करूंगी, मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मम्मा है ना, तो मम्मा होती ना, मम्मा कुछ भी नहीं होने देती। मैंने फिर इसको 8 बजे से लेके लगा लो 12 बज रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे मैंने इसको हाथ पे सुलाया। जैसे मैंने अपना हाथ उठाया ये फिर उठ गया। अम्मी जानो पते, अम्मी जानो पीती हूँ दवाई देगा, पेट में दर्द है, कंफर्म पेट में दर्द है ना। आपको क्या हो गया था? आप तो दूध भी नहीं पी रही, आज किसी से बात नहीं करी, शिव रोई रोई शिव रोई रोई, क्या हो गया था आपको? बोला नहीं था कल कि वायरल चल रहा है ना? डोला तो वायरल चल रहा है यार, सारा वायरल यहाँ आना था कि टेंशन सी रहती है। ओए लड़के बस आ गए हॉस्पिटल, देखने सो रहे हैं। जब भी बच्चों को कोई तकलीफ होती है ना, हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते, बिल्कुल भी। मतलब अगर उसको खांसी भी है ना, उसी टाइम हॉस्पिटल लेके आते हैं, क्योंकि देखो क्या ना कि बच्चे बोल तो पाते नहीं, डॉक्टर ही समझ पाएंगे जो इनके सिम्टम्स होते हैं। हाँ सही बात है, लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस ये रोने स्टार्ट हो रहा है, देखो फिर से बस बेटा बस, हो गया। ये थोड़ी थोड़ी देर में तो चुप हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में रो रहा है, तो अभी हंस रहा है, मैं आपसे बातें कर रहा है। हाँ, तो अभी हमने इसकी दवाई ले ली है, बस अभी घर चलते हैं। तो घर पर ही ना इन्होंने बोल दिया था कि ना गोलू इसके गले में कुछ है, डॉक्टर भी यही बात बोल रहे थे कि इसके गले में कुछ है। अपने पापा से आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है भैया देखो क्या है ना, दिमाग कान मुंह पेट सब कुछ ठीक लग रहा है, आप ये दवाई दो, दवाई दिया कुछ, अभी देखो क्या ना कि अब इसे टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट कराने के बाद पता लगेगा, क्योंकि ना क्या ना कि आयान को भी इन्फेक्शन है, क्या पता वो इन्फेक्शन इसको ना हो। क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला कि सोर्स ऑफ मिल्क जो है वो तो सेम है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो क्या पता इन्फेक्शन इसको ना हो जाए। तो अभी 2 दवाइयां तो दी है, तो उस दवाई से अगर आराम नहीं आता मैं आज वेट करूंगी, क्योंकि छोटे बच्चे है ना बोल नहीं पाते, वेट एंड वॉच करना पड़ता है। सुबह था मैंने छोड़ दिया था, मैं चलो कोई बात नहीं, क्या पता ऐसी बॉडी अकड़ रही हो, बट अब फिर हुआ ना। आप क्या आगे हाथ जोड़ रहे हैं? हाँ जी हाथ जोड़ रहे हैं, बता दो क्या हुआ। आप पापा के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हाँ जी बस मेरे को ठीक कर दो जल्दी से, 1-2 घंटे में मैं खेलना चाहता हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे तो मैंने ये सोचा गाइस कि सुबह ना 7 से लेके 7:30 बजे तक इनको मैं ऊपर लेके जाया करूंगा, हवा में, ठंडी हवा, धूप भी लगती रही। अभी देखो सारे दिन ना घर रहते हैं, थोड़ी सी ना इनको बाहर की ऑक्सीजन भी दो, है ना। ये देखो अब देखो धूप में कैसे तिल मिला रहा है, इसकी आंख नहीं खुल रही, और चल और फिर दर्दी हो रही है। तो ये बात तो है, चीकू के पापा ना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते। अगर इनको पता होता ना कि सुबह भी ये इतना ज्यादा कर रहा है, तो ये मेरे को बोलते गोलू हॉस्पिटल चल, ठीक है। मैं इसको अच्छा हुआ हॉस्पिटल लेकर आ गए, क्योंकि ना मेरे को लग रहा है कि अगर नहीं लेकर आती ना, ये जो दवाइयाँ इसको एक दिए से थोड़ा सा असर हुआ, 2 दवाइयों से और असर हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। इसके ना पेट में दर्द है मुझे लग रहा है। आगे बेटी आगे। तो अभी सुबह सुबह ना क्या हुआ था, सुबह सुबह चीकू को ना मैंने इतनी मुश्किल से स्कूल भेजा, इतनी मुश्किल से स्कूल भेजा, क्योंकि ये लड़का ना कल इसने अपनी नींद बिल्कुल पूरी नहीं करी, 3-4 घंटे सोया होगा बस। तो आज मैंने सोच लिया है बस इस लड़के को ट्यूशन से एक बार आने दो, इसकी ऐसी नींद पूरी कराऊंगी, ऐसी नींद पूरी कराऊंगी। और ये देख लो कपड़े निकालने की स्टाइल देख लो इसका, ऐसे निकालता है कोई कपड़े है चीको? इनर तो पहन के, बनियान तो पहन के रखो। तो अभी जो है ना आयान की हालत में थोड़ा सा सुधार कह सकते हैं कि नहीं है, मैं बता देती हूँ। 5 टाइम उसने स्टूल पास कर दिया है, अभी जो टाइम है वो बज रहा है तकरीबन 2:15 हो रहे हैं, सुबह से लेके अब तक 5 टाइम स्टूल हो गए हैं। पर डॉक्टर ने बोला है कि ये जो जितना इन्फेक्शन होगा पेट से वो निकलेगा, टेंशन मत लेना, और उसको डायरिया नहीं है। तो जितनी दवाई उन्होंने बताई है वो दवाई तो हम दे रहे हैं। तो इकोनॉम तो मैंने दे दी थी सुबह सुबह ही, मतलब 12:30 बजे के करीब दे दी थी इकोनॉम, और ZND वगैरह
वगैरह देनी है इनको। तो अब तो दवाइयों के नाम ऐसे ऐसे याद हो गए जैसे हम सब्जियों के नाम याद रहते हैं ना, औरतों को ऐसे दवाइयों के नाम याद हो गए। मेरे लड़के के काम देखो, सारे कपड़े यहाँ निकाल के यहाँ छोड़ के चला गया। ये नहीं है इसको कि इसको पहनने हैं कपड़े कल, पर अब ये तो पहनेगा नहीं, वॉश होंगे, इसकी न्यू ड्रेस निकाल के रखनी पड़ेगी कल के लिए। तो ये हमारे घर की महारानी है ना, इसको तकियों पे नींद आती है, तकियों के अलावा ये लड़की बिल्कुल नहीं सो सकती है बिल्कुल भी, इसको अपने नीचे ना तकिए चाहिए ही चाहिए। और ये जो हमारा लाड़े सर है ना, ये थोड़ा सा आज बीमार है, जैसा आप सबको पता है अभी गोलू लेके गई थी हॉस्पिटल, इसके थ्रोट में इन्फेक्शन आया है। मैं ये सोच रही हूँ घर पीछे देखो जरा, ये देखो गाइस दवाइयों का यहाँ पे लट्ठा लगा हुआ है, सारी दवाइयां इधर लगा दी भाई। अभी क्या पायल की वाली जो दवाई ना टैक्सी में, मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी ना, तो डॉक्टर को ये लगा था कि मैं अयान को लेकर आई हूँ, उन्होंने बोला आपने टैक्सी में दी इसको, मैंने कहा नहीं नहीं सर ये अयान नहीं है, मैं मतलब एक दिन मैं तूबा लेके गई थी तो अगले दिन मैं अयान को लेके, तो फिर जब मैं अयान को लेके गई तो उन्होंने बोला तूबा ठीक है यहाँ, अब इसको लेके गई तो बोला अयान ठीक है। नानू ये रहा मेरा, ये रहा हमारा नानू, हमारा नानू पीनी पूरी तो नहीं जाएगी। कहते हैं ना दवाई माँ को नहीं पिलानी चाहिए, तो मैंने शांति को दी थी पिलाने के लिए, इसकी बॉडी को असर कर जाए। पायल हंसरी है, छोटी पायल हंसरी है, छोटी को दवाई पिलानी है ना। हाँ तो ये गाइस ये जो दवाई है ना पता लगा लो, मैंने दिखा दी ना दवाई, तो हर बच्चे की अलग दवाई है, सारी दवाइयां हमें अच्छे से याद है। तो जो तूबा पी रही है वो पी रही है एट्रैक्स, 8 ड्रॉप्स देनी है, इसलिए देनी है क्योंकि ना इसकी फेस पे बहुत सारी घमोरियां हो गई थी। और एक ये है क्लोबिनेट GM, ये भी लगानी है। देखती हूँ पायल इसको दवाई पिला पा रही या नहीं, क्योंकि दवाई का जिम्मा मेरा होता है बच्चों का। कितने ड्रॉप्स हो गए? ड्रॉप्स नहीं पिला रही फिर ऐसे डाल रही। अच्छा पायल इसका स्टाइल तो देखिए सोने का, मैंने ऐसे सुला दिया इसको। ओहो ये क्या कर लिया, इसको पता चल गया तो वाइप से साफ कर दियो, ठीक है तो मुंह में डालेगी। तो अभी अभी ना मुझे चीकू ने बुलाया बहुत तेज कि मम्मी फटाफट आओ फटाफट भाग कर आओ। पता है क्यों बुलाया पायल? जैसे मन देखा मैं कि क्यों क्या हुआ बेटा, कह रहे मम्मा राइट साइड पे ना ऊपर पीठ पे खुजली हो रही है, थोड़ी सी जरा कमर खुजा दोगे? कमर खुजाने के लिए बुलाया। और फिर मैं खुजा कर आ गई, सो गया ये। अभी मैं ऐसी फीडिंग वाले पिलो पे सोया, मैंने इसको हटाया नहीं, मैंने कहा कहीं ऐसा ना होना कि हटाऊं तो उठ जाए। सोने दे सोने से ना थोड़ा ठीक हो जाएगा ये ना। चलो बेटा दवाई का टाइम हो गया, दवाई पी लो दवाई पी लो। अब ये भी दवाई निकालने लग गया, इसको दवाई अच्छी नहीं लगती है। ये दवाई पी लेता था बहुत अच्छे से, अब ये इसकी तरह ना ये भी मुँह में दवाई डालो, सारी दवाई बाहर। ये भी देखो 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 ये देखो मतलब इसको कड़वी लग रही होगी दवाई, और अभी पीऊंगी ना मीठी है दवाई, बच्चों की सारी दवाई मीठी होती है। इतनी पागल लगती है ना मैं बता नहीं सकती आपको, हर एक चीज पी लेती है, हर एक चीज चाहे वो कुछ भी हो कैसी भी दवाई हो। पहले खुद पी के देखते हैं, तो पहले खुद पी है। ये नहीं पी मैं बता रही हूँ मीठी है, ऐसे मीठी होगी, मीठी है सारी चीजें। बच कल कल की बात नहीं बता आपको, कल कितना फनी हुआ। छुपा ले चीकू बताएंगे। मैं ना दूध मंगवा रहा था ग्लास में, तो उसमें ना बोलते हैं वो डाल दिया था प्रोटीन डाल दिया था, तो मम्मा चॉकलेट वाला, तो मम्मा को लग गया कि मम्मा ने खाया हुआ है मेरा वो। इसने बोला कि मम्मा ये दूध ना उसका पीडियाश्योर का नहीं है, इसमें प्रोटीन है। इसने कहा नहीं नहीं, उसको इसने डब्बा मंगाया कि डब्बा में ऐसे एक चुटकी खा के गिरी, नहीं नहीं पीडियाश्योर है। फिर थोड़ी देर बाद से दूध फिर पिया, कह रहा नहीं मम्मी ये प्रोटीन है, फिर वो दूध भी है इसने, कह रही सच में प्रोटीन है। और फिर मैं दोबारा मंगवाया, मैंने कहा काम कर पीडियाश्योर प्रोटीन सब ला, मैं सब टेस्ट करके देखती हूँ कौन सा किया है। लापरवाही लापरवाही, अब दवाई गिर गई ना, गिर गई तो इसका मतलब ये ठीक हो गया है ना भाई? पहले हाँ पहले बोलते थे अगर दवाई गिर जाती है तो वो असर करेगी बॉडी में, मतलब अचानक से गिर जाए तो इसका मतलब ही असर करेगा। ये तो तूने सारी गिरा दी, बोले सारी नहीं गिराई। अच्छा और मेरा पजामा जो खराब हुआ है वो चद्दर तो खराब, पजामा तो धुल जाएगा, चद्दर लापरवाह। वैसे देखा जाने तो ध्यान कहाँ था वैसे? मेरा ध्यान पाल में था। तू एक नंबर की लापरवाह औरत है सच बताऊं, एक नंबर की फनी भी तू। फनी तो नहीं है तू, फनी भी हूं मैं बेटी। मम्मी ने दवाइयां गिरा दी तेरी सारी। तो गाइस मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी ना गंजी होने वाली हूँ, ऐसा फीलिंग क्यों आ रही, कभी ऐसी आई नहीं आज तक फीलिंग चीकू। और ये एक बार मैं अपना किस्सा बताती हूँ। बता दे तू किस्सा, बता दे पहले गोलू। इसको थोड़ी देर सुला ले यार, मेरी कमर दर्द हो रही, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। पहले काम करना यहाँ पे सुला दे, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मैं सुबह 4:30 बजे सोई हूँ ठीक है, और उसके बाद 8 बजे तेरे को पता है तब से उठा हुआ, 4 घंटे की नींद है आंखें देखियो यार। गोलू तेरे को तो पता भी नहीं चलता, 3-4 जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, इन बच्चों को रात में उठ उठ के मैं संभालती हूँ तीनों को। अच्छा तू जो 3 दिन हॉस्पिटल गई है, 4 बच्चे पीछे से मैंने संभाले वो गिनवा नहीं रही मैं, तुम गिनवा मत ना, गिनवा मत मुझे। तो ऐसा कर एक काम कर, तू एक काम कर जैद को लेके दूसरे फ्लैट में 1 महीना लगा के देख ले।
इतनी नींद कैसे छोड़ेंगे मुझे पता ना। मुझे मत सिखा, मुझे मत सिखा। मैंने जब तीन बच्चे संभाले थे जब तू हॉस्पिटल थी ना, चारों के चारों, तीन के चारों बच्चे संभाले थे, मैंने उफ तक नहीं करी। और अभी जब मैं सोने जा रही हूँ, तेरे को भी सोना इस टाइम पे यार, मानती हूँ। पर चल ठीक है, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, पर तेरे पे थोड़ी सी दया कर देती हूँ। तू चार तीन बच्चे संभाल नहीं पाएंगी इतनी। एक काम कर, अयान और तुबा में से एक बच्चा मुझे दे दे। अयान को ले ले। ठीक है, मैं अयान को ले जाती हूँ और मैं शिफ्ट हो जाती हूँ जैद और अयान के साथ। मैं भी देखती हूँ कि तू कितना संभाल पाती है, मैं कितना संभाल पाती हूँ। ठीक है, देख तुझे फिर मेरी अहमियत का पता चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ ना, पहले बहुत सही कर रही हूँ। मैंने करवाया ही, मुझे मत बता। मैं हो जाऊंगी शिफ्ट साथ वाले घर में, कोई दिक्कत नहीं। जैद लड़ क्यों रही है, मैं तो बहुत प्यार से बोल रही हूँ। मेरे भी लड़ने का मूड नहीं है, मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है और मत खराब। मैं तो लड़ी नहीं रही, मैं तो प्यार से बोल रही हूँ। जा फिर, क्योंकि देखो भी लगता है कि सामान बांध यहाँ से जा। मैं बांध लूंगी, मेरा ज्यादा सामान नहीं है। जा। अयान, जय, बेटू आज से ना मैं आपको संभालूंगी, पूरा अच्छे से केयर करूंगी। मम्मा को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मम्मा को लगता है कि पायल ही है सब कुछ, कोई संभाल सकती है। मैं तो बेवकूफ हूँ, है ना? बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोलूँ सच बोल रही हूँ मैं। पायल देख, मैं पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, पर जब से मैंने जैद हुआ है तब से मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। मैंने तीन दिन बच्चे ऐसे संभाले, तेको एक सेकंड भी नहीं बताया कि मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ। और एक एक दिन में एक एक रात ऐसी गई है मेरी, एक एक घंटा सोई हूँ मैं तीन दिन के अंदर। चल अब देख लेंगे, महीना भर देखती हूँ मैं तेरा। तेरी भी जो आंखें ना खुल जाएगी कि मैं संभाल सकती हूँ। ठीक है, एक महीना करके देखते हैं पहले। ठीक है, चीकू का स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, वो मैं संभाल लूँ। हाँ, दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। फिर मैं इसे ना इंटरफेयर मत करियो, ये बच्चा रो क्यों रहा है, वो क्यों कर रहा है। बच्चे है, जो भी करूँ मैं कर लूंगी। ठीक है ना, तेरा घर अलग मेरा घर अलग। अगर तुम अलग अलग रहोगे ना, मेरी दुर्गति हो जाएगी। कभी मैं तेरे पास आऊंगा, कभी इसके पास आऊंगा। एक बार बोलू, वैसे तो एक बोलनी नहीं चाहिए। आपको छह साल पता नहीं चला, हम दोनों साथ रहते हैं, हमने कभी आपको किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करी, कुछ नहीं करी। आपने दो शादियां की है ना, तो आपको भुगतना चाहिए इस चीज के बारे में। आपको होना चाहिए एहसास की कैसे रखती है दो बीवियां। तो फिर मैंने क्या दिक्कत कर दी, मैं तो बहुत अभी तक तो आपको एहसास ही नहीं हुआ कि दो बीवी। अभी आपको यही एहसास था, पांच साल पहले एहसास हो गया था मुझे एक बार। अब दोबारा एहसास कर लो, इतना तो होना चाहिए ना कि यार एक बीवी नाराज तो नहीं है, क्योंकि हम दोनों साथ रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको अलग अलग मिलना नहीं होता, आपसे आपको अलग अलग मिलना पड़ेगा। यहाँ पे लंच करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनर। एक काम करते हैं गाइस, आप कमेंट करके बताना। देखो जितनी दोनों साथ में अच्छी लगती है ना, अलग अलग में ना दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। और गोलू तू नहीं संभाल पाएगी दो बच्चे एक साथ। अरे आप ना पायल की साइड ही लेती हो हमेशा, मैंने देखा है। आपको नहीं पता मैं चारों बच्चे संभाल सकती हूँ। मैंने तीनों बच्चे तीन दिन के लिए संभाले, इसका मतलब मैं संभाल सकती हूँ। रहने दे इस वहम में मत रह पायल, समझा दे इसको। कोई बात नहीं, वहम टूटते में ज्यादा देर नहीं लगती। पता लगे भागी भागी आए पायल, छोड़ जो हुआ सो हुआ, खत्म करते एक साथ रहते। देखो एक तो मैं इसकी सहायता कर रही हूँ, है एक तो मैं इसकी सहायता कर रही हूँ। चल मैंने कहा चल कंपटीशन अगर हो ही रहा बच्चे संभालने का तो इक्वल होना चाहिए। एक काम करो, एक महीना बहुत ज्यादा होगा, तुम 10 दिन अलग रह के देख लो। अरे मैं 10 दिन गया, मैं तो 100 दिन रह लूं, तू रह तो सही। चल ठीक है, ज्यादा मत बकवास कर, बहुत देर होगी तेरी गले फाड़ते फाड़ते। मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ, चिल्लाए पे चिल्लाई जा रही है, मेरी बीमारी का फायदा उठा रही है। मैं खुश लग रही है, खुश लग रही है। कौन मैं? हाँ मैं खुश हूँ। तो गाइस लास्ट एक जब लिया था ना, उसके बाद हम लोग सो गए थे, मैं गोलू और हमारे साथ सो गई थी तूबा। और इतनी अच्छी नींद आई हमने, मतलब 2 घंटे, मतलब जब से प्रेगनेंसी, मतलब जब से बच्चे हुए हैं ना, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने दोपहर में अपनी नींद पूरी करी है बहुत अच्छे से। और नींद पूरी करने के बाद अब जस्ट उठे हैं, और उठने के बाद ना यहाँ पे बहुत सारे कपड़े आ गए लॉन्ड्री के, क्योंकि ना हमारे बीच में ना मशीन का दिक्कत हो गई थी, मशीन बंद हो गई थी ना, हमने थोड़े कपड़े जो है वो लॉन्ड्री के लिए भेजे थे। और कुछ कम ब्लैंकेट्स थे जो काफी टाइम से लॉन्ड्री नहीं होते, वो भी लॉन्ड्री करवाए हैं। तो यहाँ पे ना एक मिस्ट्री बॉक्स है। मिस्ट्री बॉक्स क्या है मैं बता देती हूँ। ये है गाइस चश्मे का डब्बा, जो कि मंगाया चीकू के पापा के ट्रैवल के लिए। जब वो ट्रैवल पे जाते हैं ना, 3-4 चश्मे लेके जाते हैं, तो ना ज्यादा बॉक्स हो जाते हैं। अब इस बॉक्स में ना 1, 2, 3, 4, 5 चश्मे एक साथ आ जाएंगे, और ये इजी टू कैरी भी हो जाएगा, इसलिए मंगाया था गोलू ने, इनको पसंद भी आया। तो ये पूरा कमरा इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हमारे रूम का ना एसी कल रात को खराब हो गया था, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, ज्यादा गर्मी होती थी कि हमने ना रात को इसी में सोए थे, रात दोपहर में भी यहीं सोए थे। पूरा कमरा फैला हुआ, ये कमरा भी सेट कर देती हूँ। और थोड़ा सा ना घर पूरा फैल जाता है ना, क्योंकि पूरा पूरा दिन बच्चे कपड़े भी चेंज करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी निकाले हुए, जो सुसु करके वो छोड़ देते ना, तो वो भी उठा के रखने। तो आप ना कितने भी बड़े बड़े लंच बॉक्स मंगा लो, कितने भी बड़े बड़े, लेकिन ना बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। जब हम बहुत सारी चीजें एक ही लंच में डालते हैं ना, तो घोच पोच हो जाता है, घोच पोच। तो मैंने चीकू के लिए ना ये वाला लंच बॉक्स मंगाया है, सिंपल सोबर। इसमें डब्बी है अलग से सब्जी के लिए और रोटी के लिए, तो मैंने ये मंगाया ताकि उसका जो खाना है वो घोच पोच ना हो। क्योंकि जितना नीट खाना दिखता है ना खाने में मजा आता है, जितना घोच पोच दिखता है ना फिर खाने का दिल भी नहीं करता। ये है गाइस, ये इसकी छोटी सी डब्बी है, चम्मच है, और ये लंच बॉक्स है।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा चीकू के लिए ये छोटा सा लंच बॉक्स, क्योंकि जितना सामान देते हैं ना वो उतना खाता भी नहीं है और फिर लंच घचमच घचमच हो जाता है, फिर उसको अच्छा भी नहीं लगता, फिर वो छोड़ के आ जाता है, एक ही रोटी खाता है बस। तो चीकू ने ना अलमारी को ना पूरा स्टोर रूम बना दिया है, मतलब कपड़ों की जगह कम रख रखी है। यहाँ पे खिलौने देखो, खिलौने गुल्लक और घड़ी वड़ी का वो बना दिया है, तो इसकी थोड़ी अलमारी सेट कर देती हूँ। बोलने में थोड़ी सी वो हो रही है, ब्रीथ की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है ब्रीथिंग प्रॉब्लम आई थी मुझे बीच में ना, कार्डियो ऐसे कुछ हुआ था मुझे। तो चीकू ने ना अपनी बहन तूबा का ये वाला डब्बा जो है, जिसमें उसके बहुत सारे बैंड आए थे ना, उस पर कब्जा कर लिया है और उसकी एक टोकरी फ्रॉक वाले टोकरी पे भी पूरा कब्जा कर लिया है। आजकल ना छोटे बच्चों का सामान जो उसे पसंद आता है ना ले लेता है। तो गाइस तूबा ने अलग से डिफरेंट से साउंड निकालती है रोने का से, उसका ये मतलब होता है कि मेरे को छेड़ो मत, मुझे आ रही नींद और मुझे सुला दो। और उसके सुलाने के लिए ना मेरे को पाल को ना उसकी अलग से गुदड़ी भी बनवानी है। कल ना मैंने पाल को पूछा, पाल गुदड़ी कहाँ बनेगी, तो पाल करी कोई भी बेड वाले बिस्तर वाले वहाँ जाके इसके लिए गुदड़ी बना के लाएंगे, ठीक है। ओंजी चिपकली, मेरी छोटी सी चिपकली, ये है मेरा छोटा सा चिपकला, छोटा सा चिपकला। ये ले पाल, चीची बुलाऊंगा आपको, आपको जीजा बुलाऊंगा। आज ये पाल बहुत रो रहा है ना सुबह से, गले में दर्द है ना। लो एक करो, आ करो, आ एक दो। क्या हो गया आपको, अभी आपको पूरे कपड़े चेंज किए हैं, आई लव डैडी वाली टी शर्ट बनाई है, फिर आप रोई रोई कर रहे हो। हाँ क्या हुआ, क्यों लोई लोई कर रहा है मेरा बेटा। चलो आपको जल्दी से ORS पिला दूं। ORS पिलाना है इसको, क्योंकि इसकी तबीयत खराब है जैसा कि सबको पता है, तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको ORS जितना हो सके उतना दे दो, तो मैं इसको ORS देने वाली हूँ। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।